हेलो गाइज, वेलकम बैक टू फुटबॉल समाचार यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एक क्विक प्रीव्यू ऑफ द मैच बिटवीन बेंगलुरु FC एंड उड़ीसा FC। सो गाइज, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो द मैच नंबर 97 इन द ऑनगोइंग इंडियन सुपर लीग सीजन 8 होने वाला है बिटवीन बेंगलुरु FC एंड उड़ीसा FC। ये मैच खेला जाएगा टुडे एट द GMC एथलेटिक स्टेडियम इन बेम्बोलिम। ये मैच स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड आप ये मैच लाइव देख पाएंगे ऑन स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, हॉटस्टार एंड JioTV पर। सो अब बात करते हैं बेंगलुरु FC के बारे में। सो यू नो, बेंगलुरु FC एक काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे थे। वो अनबीटन थे इन देयर 9 मैचेस अंटिल 2 डिफीट्स अगेंस्ट हैदराबाद FC एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। जैसा कि आप देख सकते हो, वो करेंटली है इन द 6th पोजिशन ऑफ द लीग टेबल विथ 23 पॉइंट्स फ्रॉम द 17 मैचेस दे हैव प्लेड सो फार। एंड एज यू नो, इन द लास्ट मैच उन्हें एक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग डिफीट मिला था अगेंस्ट द हाईलैंडर्स एंड इस डिफीट ने बेंगलुरु FC को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है एज देयर प्लेऑफ्स क्वालिफिकेशन इज ऑन द लाइन। सो बेंगलुरु FC चाहेंगे टू गो ऑल आउट इन दिस मैच एंड गेट द ऑल इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स। सो अब बात करते हैं बेंगलुरु FC के पॉसिबल लाइनअप के बारे में फॉर दिस मैच। सो बेंगलुरु FC इस मैच में 4-2-3-1 फॉर्मेशन में लाइनअप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, गोलकीपर होंगे लारा शर्मा, राइट बैक नामग्याल भुटिया, सेंटर बैक्स एलन कोस्टा एंड याया बनाना, लेफ्ट बैक नोरेम रोशन सिंह, डिफेंसिव मिडफील्डर्स अजय छेत्री एंड ब्रूनो रेमिरेस, राइट विंगर उदंता सिंह, लेफ्ट विंगर सुनील छेत्री, अटैकिंग मिडफील्डर दानिश फारूक एंड फॉरवर्ड क्लेटन सिल्वा। सो अब बात करते हैं उड़ीसा FC के बारे में। सो जिन उड़ीसा FC के परफॉर्मेंसेस में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए हैं इन दिस सीजन, हाउएवर स्टिल उनका प्लेऑफ क्वालिफाइंग चांसेस खत्म नहीं हुआ है। टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स उन्हें अपने रिमेनिंग तीनों मैचेस को ही जीतना होगा। जैसा कि आप देख सकते हो, वो करेंटली है इन द 7th पोजिशन ऑफ द लीग टेबल विथ 22 पॉइंट्स फ्रॉम द 17 मैचेस दे हैव प्लेड सो फार। एंड एज यू नो, इन द लास्ट मैच उन्होंने एक ड्रॉ खेला था अगेंस्ट चेन्नई FC एंड उस मैच में टीम ने काफ़ी पॉजिटिव परफॉर्मेंस डिस्प्ले किया था, बट अनलकीली वो उस मैच से फुल पॉइंट्स नहीं ले पाए थे। सो उड़ीसा FC डेस्परेटली चाहेंगे इस मैच को जीतने के लिए टू कीप देयर प्लेऑफ्स होप्स अलाइव। सो अब बात करते हैं उड़ीसा FC के पॉसिबल लाइनअप के बारे में फॉर दिस मैच। सो उड़ीसा FC इस मैच में 4-3-3 फॉर्मेशन में लाइनअप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, गोलकीपर होंगे अर्शदीप सिंह, राइट बैक हेनरी एंटोने, सेंटर बैक्स गौरव बोरा एंड हेक्टर रोडेस, लेफ्ट बैक साहिल पनवार, मिडफील्डर्स आइजैक, हावी हर्नांडेज एंड थोइबा सिंह मोरंगथम, राइट विंगर रिदिम लैंग, लेफ्ट विंगर अरिदा कैब्रेरा एंड फॉरवर्ड जोनाथस डी हेसूस। सो अब बात करते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। सो बोथ बेंगलुरु FC एंड उड़ीसा FC ने टोटल 5 टाइम्स फेस किया है अगेंस्ट ईच अदर इन द SL प्रीवियसली एंड आउट ऑफ दोज 5 मैचेस बेंगलुरु FC ने जीता है 3 मैचेस, उड़ीसा FC ने जीता है 1 मैच एंड द रेस्ट 1 मैच खत्म हुआ था इन ए ड्रॉ। सो एज यू कैन सी इन द हेड टू हेड रिकॉर्ड, बेंगलुरु FC क्लियरली हैज एन एज ओवर उड़ीसा FC। ये मैच दोनों ही टीम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड बोथ बेंगलुरु FC एंड उड़ीसा FC चाहेंगे टू गेट नॉट लेस देन 3 पॉइंट्स फ्रॉम दिस मैच। आपको क्या लगता है, कौन सी टीम इस मैच को जीत सकते हैं? आप अपना प्रेडिक्शन एंड थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुल आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए।